तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फॉरगिवनेस इन इट्स ट्रू सेंस है क्या, और ज़रा फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट पे भी रोशनी डालेगा। सबसे पहले जैसे आपने बात की फॉरगेट और फॉरगिवनेस, मिस शमालिया ने भी पहले थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि हम चाहते हैं कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हुआ है हम उसे भूल जाएं, ना कि हम उसे माफ़ कर दें और हम मूव ऑन करें। हम चाहते हैं कि किसी तरह ऐसा हो कि हमारी मेमोरी बिल्कुल उससे वो पूरा इवेंट ही निकल जाए, हम कभी हमें दोबारा वो याद ही ना आए। और ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता, ये कहीं ना कहीं हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अनकॉन्शियसली। हम ये चाहते हैं कि वो मेमोरी हमारे में हमें याद ना आए, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो मेमोरी हमारे माइंड में होती है, वो यादें वो एक्सपीरियंस हमारे माइंड में होता है जो अनकॉन्शियसली हमें पेन में ला रहा होता है, और हम उसी पेन की वजह से फिर अपनी लाइफ के जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसको इंजॉय नहीं कर सकते। उसमें फुल जो है वो जिस तरह से हमें परफॉर्म करना होता है हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो मेमोरी होती। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, फिर वही चीज़ इफ़ वाली बात कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बैक ऑफ द माइंड क्योंकि वो हमारे सप्रेस हुई भी वो याद है जिसको हम भूल जाना चाहते हैं, जिसको हम माफ़ कर देना नहीं चाहते। क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब ही है लेट गो करना, कि जाने देना। इसका मतलब ये नहीं है कि भूल जाना बिल्कुल आप अपनी मेमोरी से निकाल दो, बल्कि उसमें हील कर जाओ कि हाँ ठीक है ये चीज़ हुआ है तो इससे मैंने सीखा क्या, और इसमें जो कुछ गलत हुआ उससे मैं क्या बेटर नेक्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उसमें क्या जो है वो बेहतर जो है वो मैं सीख सकता हूँ। तो फॉरगिवनेस का बेसिकली मतलब जो मीनिंग है वो लेट गो करना है, ना कि जो है भूल जाना है। यानी फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप पास्ट को यानी बाय चॉइस आप ऐसी परसेप्शंस को ऐसे नज़रियात को पुराने वाकयात के साथ तब्दील करते हैं कि वो आपको बजाय स्टक होने के, बजाय तकलीफ़ देने के, वो आपको हीलिंग की साइड पे लेकर आते हैं। लेटिंग गो का मतलब क्या है कि आप तकलीफ़ को छोड़ देते हैं। वाकया ख़त्म नहीं हो जाता है अगर किसी के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है और पेनफुल कोई ट्रॉमा हो गया है, सो वाकया ख़त्म नहीं होगा, पास्ट में वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसको देखने का नज़रिया बदल लेना, परसेप्शंस को चेंज करना, उस तकलीफ़ को बाय चॉइस लेट गो करना। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर किसी के बचपन में कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, कोई अब्यूज़ या कोई ट्रॉमा हो गया फिज़िकली, किसी ने मारपीट ऐसी किसी बच्चे के साथ हुई हो जो कि उसकी शख्सियत पर बहुत गहरे दाग डालती है, वो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं तो अब जैसे अगर 10-15 साल पहले वो वाकया हुआ और अब आप एक एडल्टहुड में हैं, तो आप उस 15 साल की तकलीफ़ को चेंज कर सकते हैं। यानी आप उस तकलीफ़ को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं अगर आप चूज़ करते हैं टू बी हैप्पी। यानी उस वाकये के साथ हम कुछ नहीं कर सकते कि वहाँ जाकर हम इस बात को देखें कि काश ऐसा होता ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि उस वाकये को चेंज किए बगैर उससे जुड़ी तकलीफ को हील ज़रूर कर सकते हैं थ्रू फॉरगिवनेस। यानी जाने ही दें उस तकलीफ़ को, अपने नज़रियात को चेंज करके। अगर किसी ने गुस्से में आपको डील किया हुआ है तो आप अपने जहन में ला सकते हैं कि ये बेस्ट था उसका जो उसने किया, अपने आप को। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि फॉरगिवनेस के बारे में बाज़ुकात ये सवाल हमसे होता है कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया तो अगले बंदे को पता कैसे चलेगा कि उसने गलत किया है। देखिए, यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं और ख़ास करके आज, वो आपकी हीलिंग के लिए है। आप उस बंदे के साथ ताल्लुक़ रखें या ना रखें, इस चॉइस पे बात हम नहीं कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। बिलफर्ज़ आपने ताल्लुक़ नहीं रखा और अपरेंटली तो वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन इन योर हेड ज़रूर है। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट कि जो आप, अगर वो ज़िंदगी में नहीं भी है लेकिन उसकी तकलीफ़ें आपने सीने से लगा के रखी हुई हैं। सो फॉरगिवनेस को चूज़ करना डेफिनेटली किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन फॉरगिवनेस को चूज़ ना करना आपको रिवेंजफुल बनाता है, आपको रिजेंटफुल बनाता है, आपको एंग्री बनाता है, आपके अंदर नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आप देखें ये कितना फ़ायदे का सौदा है कि करे भी कोई गलत और इतनी तकलीफ़ें हम भी समेटें। जी बिल्कुल, यानी ये कोई जस्टिफाइड नहीं लगता है। हम ख़ुद को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं, अगर नहीं देखते तो देखना चाहिए हम सबको।
उस बंदे ने तो उस टाइम पे कर दिया जो, लेकिन अगर ये आप एक लंबी लिस्ट नेगेटिव फीलिंग्स की, कुड़ते रहना, सड़ते रहना, नफ़रतों में जलना, रंजिशों को सीने से लगा के रखना, और इसने तो आपकी ज़िंदगी को पॉइजन कर देना है, आपकी तो बहुत तकलीफ, जिसको कहते हैं ना कांटों पे ज़िंदगी गुजारना। सो आप उस बंदे के लिए नहीं, अपने लिए फॉरगिवनेस को चूज़ करते हैं, और ये चॉइस आप ही की होती है कि मुझे होल्ड करने से क्या नुकसान हो रहे हैं। और सपोजिटली आज हम फैसला करते हैं कि हम फॉरगिवनेस को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, रेडीनेस मिलती है टू मूव ऑन, आप फिर विक्टिम रोल में नहीं जाते। बाज़ोकात अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमा है वो हमें विक्टिम रोल में ले जाते हैं, मैं बेचारा का कॉन्सेप्ट या मैं बेचारी का कॉन्सेप्ट, और जितनी पोटेंशियल्स हमें होती हैं ज़िंदगी को बेहतर गुजारने की वो फिर हम परसू ही नहीं कर पाते हैं। सो फॉरगिवनेस हमारे अंदर इस चीज़ को ख़त्म करती है जिसको हम विक्टिम रोल कह रहे हैं, और स्ट्रेंथ क्रिएट करती है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़िम्मेदारी के साथ जीने की तरफ आते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ योर मेंटल हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, फॉरगिवनेस हम सबको चूज़ करनी चाहिए, इट्स ए चॉइस इन फैक्ट, और हमें ये चूज़ करना चाहिए कि कैसे हम अपने पास्ट में लिव करने की बजाय प्रेजेंट में उसके साथ कोई ऐसे कनेक्शन बनाएं जो कि हील करें हमें, आज ज़रा तस्कीन दें और सकून दें।